गाइस ये है हमारे बघई का गीरा वाटरफॉल, बहुत ही फेमस है। तो हे गाइस, वेलकम बैक दे वेलकम, और स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग व्लॉग में। तो गाइस, अभी जस्ट हम कोसमड़ वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके आए हैं, और यहाँ पर भगवान शिव का मस्त मंदिर है, तो उसका दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे वघई की ओर। तो पहले आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् तो गाइस, भगवान शिव का आशीर्वाद लेके अभी हम बढ़ेंगे वघई की ओर, क्योंकि हम जाने वाले हैं गीरा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ से सीधा हम वघई की ओर जाएंगे, और फिर उसके बीच में भी बोटानिकल गार्डन आएगा, तो उसको भी साथ में एक्सप्लोर कर लेंगे। तो गाइस चले आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, इस व्लॉग में आपको कुछ कुछ जगह मेरी आवाज़ आगे पीछे होती हुई लगेगी, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको गाइस, क्योंकि जब मैं वीडियो शूटिंग कर रहा था ना, तो बीच बीच में मेरा माइक जो था वो ऑफ हो जा रहा था, तो कुछ जगह रिकॉर्ड हुई है साउंड और कुछ जगह नहीं हुई, तो थोड़ा देख लेना। तो गाइस, हम लोग वघई आ चुके हैं कोसमाड़ से। कोसमाड़ धोध को एक्सप्लोर करके अभी वघई आए हैं, और यहाँ से अभी वघई का गिरा धोध हमें देखने जाने वाले हैं। तो पहले थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। कंटिन्यू व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, और तो काय बोल नीतू, काय बोल रहा आवाज। तो गाइस, सबको बहुत भूख लगी है, तो कोई बोल भी नहीं रहा है व्लॉग में। अच्छा, सब लोग थक के अभी ऑर्डर देने का वेट कर रहे हैं। उस मार में किसी को मजा आया? बोल दो, आपको मजा आया? सभी को मजा आया, पहले तो नहीं रहे। आपको कुछ बोलना है? एक्चुअली मैं सोच के बताऊंगा। One hour later. तो गाइस, अभी हम हैं बोटानिकल गार्डन के पास, और गाइस गिरा धोध पहले जाने वाले थे, पर बीच में वो बोटानिकल गार्डन भी आता है, तो सबने सोचा कि पहले गार्डन को एक्सप्लोर करके फिर गिरा धोध को एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस, मैं हूँ अभी वघई बोटानिकल गार्डन के गेट के पास, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और गाइस हमें वहाँ से वो आप थोड़ा सा काउंटर देख पा रहे होंगे, वहाँ से टिकट लेनी है। और गाइस गेट काफ़ी मस्त है, और गाइस मैंने टिकट ले ली है। टिकट के पैसे गाइस 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक रजिस्टर है जिसमें अपना नाम और नंबर लिखना होता है, ये कंपलसरी है। जो भी यहाँ पर आता है वो सब यहाँ पर एंट्री करके अंदर जाते हैं, तो हमने भी अपना नाम और नंबर लिख दिया है, और अभी आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, हम टिकट लेके गार्डन के अंदर आ चुके हैं, और गाइस गार्डन का नज़ारा अंदर से बहुत ही कमाल का है, और आप सामने देख पा रहे होंगे आई एम इन वघई बोटानिकल गार्डन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा। वहाँ पर आप फोटो भी खींचा सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, वो ये है आई एम इन वघई बोटानिकल गार्डन। तो गाइस चले वहाँ पर कुछ फोटोज खींचते हैं। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज है, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बटरफ्लाई मिल जाएंगी। ये देखो बहुत सारी उड़ रही है। तो गाइस सेम बट डिफरेंट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं बोटानिकल गार्डन के एकदम स्पेशल सेक्शन में। यहाँ पर आपको बाम्बू के बने हुए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और इसका गेट तो बाम्बू से ही बना है, और जहाँ देखो वहाँ बांस से बने हुए आपको चीज़ दिखेंगी। आज तो टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और सामने आप देख रहे हैं बाम्बू हट।
तो गाइस अभी हम मैं इस बाम्बू हट को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। बाहर से तो काफी अट्रैक्टिव है, देखते हैं अंदर से। और ये है अंदर का लुक। और गाइस यहाँ पर भाई साहब क्या कैसी कैसी बांस से बनी हुई चीजें रखी हुई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सभी बाम्बू से बनी है। बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है आइटम्स। चलो एक चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर कुछ फर्नीचर्स है जो कि पूरा बाम्बू से बना है। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर शॉप्स है जहाँ पर आपको बाम्बू से बनी हुई आपको हर चीज मिलेंगी, डेकोरेशन आइटम्स से लेके किचन्स, मोबाइल स्टैंड वगैरह। तो गाइस काफी खूबसूरत है गार्डन, हमें पूरा एक्सप्लोर करना था पर टाइम नहीं है, टाइम की थोड़ी कमी है हमारे पास, तो किसी और दिन हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पूरा बोटानिकल गार्डन। तब तक के लिए पेंडिंग रखते हैं इसको, पर अभी आगे जाके गिराधोध को भी एक्सप्लोर करना है तो हम जाएंगे गिराधोध। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा गार्डन है, एक दिन पूरा इसको एक्सप्लोर करने में भी कम पड़े, इतना बड़ा है। तो मैं आपको अभी सीधा गिराधोध पे मिलूंगा। Much later. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन गिरा वाटरफॉल पे, और नीचे तो फिलहाल नहीं जा सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, तो ऊपर से व्यू पॉइंट हम यहाँ पर है, यहीं से देख लेंगे नज़ारा। तो वेट गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल नज़ारा धोध का। तो गाइस ये है हमारे वघई का गिरा वाटरफॉल, बहुत ही फेमस है। और आज तो पानी बहुत ही मस्त लग रहा है धोध यहाँ। हम पहले वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते थे जब हम 9th और 10th में थे, तब मैं एक बार आया था, तब उस पत्थर वहाँ पत्थर है ना वहाँ तक जाने की परमिशन थी, पर अभी फिलहाल यहाँ यही व्यू पॉइंट से अलाउड है क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और रिस्की काम है, इसलिए इस वजह से नीचे नहीं जाने देते। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और बस इतना ही, गिराधोध को हम एक्सप्लोर करके अभी घर जाएंगे। फुला हो खत्म हो गए लागली की भागी। कसमड़े आपको कैसा लगा? वैसे बहुत भंगवा गए था, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब